कनीना स्कूल बस हादसे के बाद दादरी जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। डीसी मनदीप कौर व एसपी पूजा वशिष्ठ ने संयुक्त रूप से निजी स्कूल के अलावा निजी स्कूल बसों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही दोनों अधिकारियों ने स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोताही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन पर जहां निजी स्कूल बसें जब्त होंगी, वहीं एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। इस दौरान उन्होंने स्पेशल टीम का गठन करते हुए निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, मतलब उन बच्चों के पेरेंट्स का दुख जो है, मतलब कहना आसान है व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, मतलब मैं तो मतलब बयान भी नहीं कर सकती। इट इज़ वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी सैड जो भी हुआ है। ये ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत प्राइवेट स्कूल्स हैं, टू नेम इट ऑल 156 प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो आज SDMs भी चेकिंग पे गए थे, तो मैंने भी कुछ चेकिंग करी है, SP मैडम ने भी, हमने जॉइंटली भी एक दो जगह चेकिंग करी है। अभी हम उस लेवल तक तो नहीं गए कि हम पेपर्स देखें, बट हाँ हम जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी हमारी है उसमें SDMs रेगुलरली चेकिंग तो कर रहे हैं, बट हम अभी डिटेल में जाएंगे कि अगर ऐसी भी कोई बसेस हैं या ऐसा कोई इशू है जहाँ की पोल्यूशन क्लियरेंस नहीं है या पुरानी बसेस हैं, RCs नहीं हैं या जो प्लाई नहीं कर सकती, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। वी विल डिग इन टू दिस एंड वी विल गेट इन टू द होल डिटेल ऑफ इट। स्कूल की बस के साथ हादसा हुआ है कल, उसके मद्देनज़र हमने जो हमारे DSP दादरी हैं जो ट्रैफिक देख रहे हैं अलॉन्ग विथ ट्रैफिक स्टाफ, हर एक स्कूल में ये जाएंगे और बेसिकली है कि प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। वी विल फोकस ऑन चेकिंग, सब सारे जो ड्राइवर्स हैं कंडक्टर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे, उनके हम इंसिस्ट करेंगे कि आप इन सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, इनके जो रिलेटेड संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं विद द बस, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट होता है या कितना एज है उसका, जो हमारी 10 ईयर और 15 ईयर वाली पॉलिसी है उसमें इंपाउंड करना है। तो अब हम हर एक स्कूल में सिक्वेंशली जाके और हर एक स्कूल की हर एक बस को चेक करेंगे अलॉन्ग विद जितने ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं उन सबकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। इसमें नशे को लेके जो है एक्सीडेंट का मामला सामने आया है, तो क्या ड्राइवरों का 24 आवर्स के बाद में अल्कोहल की रिपोर्ट आती है, तो क्या इस प्रकार का नशे का भी अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, अब जैसे 100% चेकिंग होगी तो उसमें ये सारे पॉइंट्स भी रखे जाएंगे। हम लोग प्रिंसिपल्स से पर्सनली जाके मिलेंगे, हमारे डिप्टी साहब, और जैसे कि इस वाले मैटर में भी कहीं ना कहीं जो बस की सेफ्टी इंश्योर करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑल्सो। तो क्योंकि वो वहाँ पे हैं रोज़, अगर उनको ऐसी कोई कंप्लेंट मिलती है कि ये ड्राइवर है इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ये पी के आ रहा है, तो वो हमें तुरंत बताएं। तो एक बार पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाएगी तो उन पर थोड़ा सा प्रेशर भी रहेगा कि यू नो पुलिस हैज़ ऑल आर इन्फॉर्मेशन। तो हम ये सारे करेंगे प्रिंसिपल से और जो उनके इंचार्जेस हैं उनसे भी हम टच में रहेंगे। एक कोशिश करेंगे एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए जिससे कि हम उनसे और सडनली बोलें कि आप आज सबकी चेकिंग करवाइए। देखिए, हम इनके अवेयरनेस करवाएंगे और बेसिकली तो ये है कि वी कीप चेकिंग, हम अपने ड्राइवर्स जो हैं उन वो ठीक लोग लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, व्हेन यू नो कि समबडी इज़ हैबिचुअल और वो पता चल जाता है, तो बेसिकली तो इनकी रैंडम चेकिंग से होगा और जो इनके इंचार्जेस हैं उनसे रेगुलर मीटिंग से होगा कि यू हैव टू इंश्योर, क्योंकि जो बंदा उसको रोज देख रहा है वही हमें इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। कुछ ऐसा हुआ, कोई मामला सामने आया तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? बिल्कुल, डेफिनेटली कार्रवाई होगी अंडर द लीगल प्रोविजन। अभी क्योंकि हमारी चेकिंग स्टार्ट हुई है, जैसे ही आगे हमें कुछ मिलेगा वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड।